भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिपाहड़ी पंचायत में जगन्नाथ सिंह के पुरा की दलित बस्ती में जो पानी निकलता था और वह पानी निकल के किसी समय एक गड्ढे में भरता था, जो गड्ढा दबंगों ने अपने कब्जे में लेकर उसे समतलीकरण करवा के पानी की निकासी को बंद कर दिया है, ऐसा दलित बस्ती के ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है यदि पानी की निकासी नहीं हुई तो कच्चे मकानों का गिरने का डर बना रहता है। तो वहीं एक खेत मालिक ने कहा गड्ढे में पानी रोकने से गांव का पानी अब हमारे खेत में जाता है जिससे फसल नहीं हो पाती है। इस संबंध में जगन्नाथपुरा के ग्रामीणों ने तहसीलदार एवं SDM को आवेदन दिया है। फिलहाल तहसीलदार एवं SDM के द्वारा जाँच के बाद न्यायपूर्वक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। और जो तालाब है तालाब की वजह मतलब वो दबंगों ने कब्जा कर लिया है, वो सारा वो फूट गया है, इसलिए हमारे खेतों में पानी आ रहा है। जब से गांव बसा तब से तालाब था और गांव में जल निकासी का पानी जितना जाता था उसी में जाता था। उससे मतलब कभी आग वगैरह लग जाती थी, कहीं वो हो जाता था, उसमें तो पानी ढोल लेते थे लोग और पशु भी पीते थे उसमें, और उसके मतलब गाँव में काम में आता था, सिंचाई होती थी उससे। आज की डेट में पूरा दबंगों ने कब्जा कर लिया है। हमारे गांव का जो पानी का निकास बंद हो चुका है, गड्ढा खोल दिया है दबंगों लोगों ने और हम परेशान हैं, बहुत नुकसान आ सकता है मकानों में। क्या नाम है आपका, गांव कौन सा है? ज्ञान न्यूज के लिए भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।